नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आर्मी जवान की बिहार पुलिस के द्वारा पिटाई की जा रही है, उसके बाद आर्मी जवान को सलाखों के पीछे डाला गया है। आइए, यहाँ पे आ चुके हैं शिवनंदन भारती जी, जो कि पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। इनसे बात करते हैं, आखिर आर्मी जवान को न्याय कब तक मिलेगा? बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या लगता है कब तक आर्मी जवान हम लोगों के बीच में आ जाएगा? देखिए, बेल की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कुछ अभी केसेस पेंडिंग है, दो केसेस हैं, तो यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद सेशन न्यायालय में है और एडीजे साहब के पास उसको ट्रांसफ़र किया गया है। अब वो डायरी वगैरह के बाद इंजरी रिपोर्ट जब आएगा तो उसके बाद वो गुण दोष पर उनके जो परिजन है यहाँ पर लोकल लेवल पर जो अधिवक्ता साहब हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं। हमसे जो कुछ पत्रकार बंधु और यहाँ के समाज सेवी लोग हैं उन लोगों को लगा कि लीगली एडवाइस जो करना चाहिए वो हमने किया, और बाकी चीज़ यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से नहीं होगा तो फिर हाईकोर्ट में हम देखेंगे। क्या लगता है कितना दिन में आ जाएंगे? देखिए, ढंग से यहाँ पर यदि बात को रखा जाएगा तो मुझे लगता है एक से दो दिन में निकल जाएंगे। दो दिन में वो सफल हो जाएंगे कन्विंस करने में जज साहब को, तो यदि यहाँ कन्विंसिंग नहीं हुआ तो फिर तो हाईकोर्ट में हम रहते हैं, तो फिर हाईकोर्ट में हम देखेंगे। मतलब कितना दिन पूरी प्रक्रिया में अगर नहीं मिलता है तो लग जाएगा? ये इसका एक निर्धारित समय नहीं है। अगर होली को लेकर फिर बंद हो जाए, होली से पहले उम्मीद कम है, ये जान लीजिए। हाँ, होली से पहले उम्मीद लग रहा है कि होली के बाद ही होगा। हाँ, छुट्टी में बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा, आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास किया गया है? अभी जो साक्ष्यों का जो FIR में था, समुचित धारा नहीं बनता था, वहाँ आर्मी थे तो उनको डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी, कुछ कुछ पॉइंट जो बताना चाहिए था, जो लीगली एडवाइस करना चाहिए था, यहाँ यदि न्याय नहीं मिलती है तो फिर हम लोग हाईकोर्ट में देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है आर्मी जवान को उस तरह से थप्पड़ मार कर और फिर जेल के अंदर डाल देना, ये सरासर गलत है? आर्मी नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम, चूँकि जिम्मेदार चैनल है आपका, हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी पुलिस नहीं मार सकती। अभी आप देखते हैं कि चोर डकैत को भी पुलिस को बोलता है कि नहीं मारिए, मानवाधिकार, आप पकड़िए, सजा देना पुलिस का काम नहीं, सजा देना न्यायालय का काम है, न्यायालय देंगे। क्या लगता है पुलिस को भी इसमें? पुलिस की, चूँकि पुलिस की छवि धूमिल हो रही है तो उनको भी अपने छवि को सुधारने का मौका है, अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा, पुलिस पे भी कार्रवाई हो सकती है क्या? हाँ 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 हाँ। देखिए, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे जो कि बताए और आर्मी को जेल से बाहर निकालने के लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग देखते रहिए, धन्यवाद। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? परिजन से बात हो रही है और उसको आपके स्पीड कोर्ट के रजिस्टर कर दीजिए एसपी के नाम से, वो सबूत आपके पास, और तब नहीं कार्रवाई होगी तो कोर्ट में हम लोग जो है 156(3) के साथ पिटीशन देके कि कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तब वहाँ पर जो है ऐसे ही केस में जो है IO और पुलिस को और SP को फटकार लगती है माननीय न्यायालय से, तो सारे चीज़ों का प्रावधान है कानूनी रूप से। तो यहाँ पर आप लोग सड़क पर जो भी अपनी बात को रख रहे हैं वो ठीक है। हम देखिए, सवाल ये बहुत लोगों ने कहा कि इनको क्या जरूरत है आने की, इनको क्या जरूरत है, रमेश भाई भट्ट या जो भी लोग पत्रकार बंधु इनको आने की क्या जरूरत है? तो मेरा एक ही सवाल है कि जब आर्मी के लोग जब छुट्टी में शादी ब्याह मुंडन श्राद्ध में आते हैं और अपनी भी शादी लगी होती है और खबर आती है कि बॉर्डर पर जो है सो आक्रमण की स्थिति हो गई, तो सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके और देश की रक्षा के लिए वो चले जाते हैं, तो आज यदि वो खतरे में है तो क्या हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं? इसलिए इस बात को करने में कहीं कहीं अतोचुक्ति नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उतावलापन में नहीं आना है, पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, हम लोग कानूनी रूप से उसको कड़े से कड़े दंड भी दिलाएंगे, इसीलिए आप लोग को, हम लोगों को हिंसक नहीं होना है जी। और हम उसमें मेजर सेक्शन 325 लगा है जो आप प्रीवियस गंभीर।